आखिरत के दिन पर ईमान रखना ईमान के अरकान अर्थात स्तंभों में से एक है। अल्लाह ताला ने अपने पवित्र ग्रंथ कुरान में 19 स्थानों पर अपने ऊपर ईमान रखने को आखिरत के दिन पर ईमान रखने के साथ जोड़कर उल्लेख किया है तथा जोर देकर कहा है कि निश्चित रूप से यह दिन आकर रहेगा और इससे कोई भी भाग नहीं सकता है और ना ही बच सकता है। अल्लाह ताला का कथन है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल कियामति ला रैब फीह वमन अस्दकु मिन अल्लाह हदीसा। तथा आखिरत अर्थात अंतिम दिन पर ईमान रखने का अर्थ है मृत्यु पश्चात उस सब के घटित होने पर दृढ़ विश्वास रखना जिसके विषय में सर्वोच्च अल्लाह ने अपनी किताब तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूचना दी है एवं इस आस्था के अनुसार कर्म करना। आखिरत के दिन पर ईमान रखने में यह भी शामिल है कि कयामत अर्थात परलय की निशानियों पर ईमान रखा जाए और मरने के बाद एवं मृत्यु पश्चात जो कुछ भी होगा जैसे कब्र में प्रश्न किया जाना तथा कब्र की यातना एवं उसके आनंद इत्यादि पर ईमान रखना तथा इस दिन के संबंध में जो भी विवरण वर्णित है उन सभी पर ईमान रखना जैसे सूर में फूंका जाना पुनर्जीवित किए जाने एवं दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखना समस्त लोगों को हश्र में इकट्ठा किए जाने एवं उस समय उनकी जो दशा होगी उन सभी पर ईमान रखना अल्लाह से भेंट होने उसके समक्ष पेश किए जाने हिसाब होने और उत्पीड़क से उत्पीड़ित को बदला दिलाने पर ईमान रखना तथा आमालनामा अर्थात कर्म पत्र के फैला दिए जाने पर ईमान रखना जो किसी को बाएं हाथ में तो किसी को दाएं हाथ में दिया जाएगा। इसी प्रकार से मीज़ान अर्थात तराजू पुल सिरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले हौदे कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की सिफारिश करने तथा जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखना और यदि यह ईमान सेवक के हृदय में साकार हो जाए तो यह उसके लिए महान फल उत्पन्न करेगा जिनमें से कुछ ये हैं उस दिन के इनाम की आशा करते हुए सद्कर्म करना तथा उसके लिए लालायित रहना उस दिन की सजा के डर से पाप ना करना अथवा उससे बचना मोमिन को इस बात की तसल्ली होना कि यदि इस लोक में कोई नियामत उसे नहीं मिल सकी तो परलोक में उसे इसका बदला मिलेगा। आखिरत के दिन पर ईमान रखने से मोमिन की आत्मा को शांति एवं सुकून का अनुभव होता है तथा यह उससे चिंता असंतोष और निराशा को दूर करता है। आखिरत के दिन पर ईमान रखना नैतिक मूल्यों का रक्षक है तथा सांसारिक वस्तुओं पर उन्मत्त संघर्ष में भाग लेने के विरुद्ध एक बाधा है। यदि बंदा जान ले कि निसंदेह रूप से एक ऐसा दिन आने वाला है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वह इसके लिए मुस्तैद रहेगा तथा उसकी तैयारी में जी जान से जुट जाएगा। अल्लाह ताला का कथन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल्तन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून।